नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एज ऑफ यूथ। हमारे साथ हैं डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी। हरजीत सिंह भट्टी जनता के बीच में काम करते आए हैं, लगातार मेडिकल कैंप्स करते आए हैं और जब से डॉक्टर कफील खान के ऊपर आरोप लगे हैं उनको सस्पेंड किया है। डॉक्टर कफील खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ने में उनका सहयोग कर रहे हैं, आज हम उनसे बात करते हैं। तो डॉक्टर भट्टी, ये बताइए कि ये जो चार्जेस लगाए गए हैं इनमें कितना दम है? इनमें कोई दम नहीं है। इनफैक्ट खुद गवर्नमेंट भी मान चुकी है, कोर्ट भी मान चुकी है, उनकी जो इंटरनल इंक्वायरीज़ हैं उनमें भी ये प्रूफ हो चुका है कि इन सब बातों में कोई दम नहीं है। अब तो बस ये है कि अब तो आप मान लीजिए कि योगी जी किसी तरह से इस मतलब वो जो एक बच्चों की जान गई थी, 70 बच्चों की जान, वो उस चीज़ से बस छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका छुटकारे का सिर्फ एक ही तरीका उनको नज़र आ रहा है और वो ये है कि डॉक्टर कफील खान के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी मर दी जाए, इनको बलि का बकरा बना के हलाल किया जाए और इन उसके बाद अपने आप को बचा लिया जाए, अपने अधिकारियों को बचा लिया जाए। वरना हर बात बेबुनियाद है और सरकारी लेवल पे इस तरह की बेबुनियाद बातें करना, वो भी एक डॉक्टर के साथ, एक इंटेलेक्चुअल तबके के साथ, ये बहुत शर्मनाक है। मतलब कायदे से क्या लगता है कि किन कौन है जिम्मेदार इन सब इसके लिए? आज जिस तरीके से एक राजफाश किया कि 18 अडल्ट की भी मौत हुई थी उस दिन, तो इनके लिए जिम्मेदार कौन होना चाहिए? इनके लिए जिम्मेदार देखिए, जैसे आज पुष्पा सेल्स जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था, वो ऑलमोस्ट अप्रैल से, ये घटना अगस्त की है, ऑलमोस्ट अप्रैल से वो कंटिन्यूसली जो है वो लेटर्स लिख रहे थे, 17-18 लेटर लिखे उन्होंने, बार बार चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा, हेल्थ मिनिस्टर को लेटर लिखा, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स थे उनको लेटर लिखा है और इनफैक्ट सप्लाई बंद करने से एक दिन पहले उसने 9 तारीख को भी लेटर लिखा कि मेरे पास बस 24 घंटे की ही सप्लाई बची है, मुझे उसके बाद बंद करना पड़ेगा, प्लीज़ मेरे 68 लाख रुपीज़ दे दीजिए। वो 5 महीने जो है वो गिड़गिड़ाते रहे सरकार के सामने, लेकिन सरकार के जो अधिकारी थे वो उनसे 10% कमीशन मांग रहे थे, जैसा उनका कहना है पुष्पा सेल्स का। वो 10% कमीशन वो कह रहा था कि मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वैसे भी जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है उसमें बहुत ज़्यादा कमाई और बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, तो उसका ये कहना था कि मेरे पास इतना मार्जिन ही नहीं है कि मैं आपको 10% दे दूँ, उसके बाद मैं क्या कमाऊँ, मतलब मेरी तो कोई कमाई ही नहीं है, ऐसा कह के उसने अंत में उसको बंद कर दिया। क्या सरकार खुद इस तरह की ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती? सरकारें मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, मेडिकल ऑक्सीजन तो वैसे भी बहुत कम यूटिलाइजेशन है, मेनली तो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है ऑक्सीजन। अभी कोविड के बाद थोड़ा सा मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पाद ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन पहले उससे पहले तो इतना मेडिकल ऑक्सीजन का लिमिटेड यूज़ था और वो लिमिटेड यूज़ जो था वो एडिक्वेटली प्रोवाइड हो जाता था, ऐसे प्राइवेट सप्लायर से भी एडिक्वेटली प्रोवाइड हो जाता है। पुष्पा सेल्स भी दे रहा था ऑक्सीजन, उनको ऑक्सीजन देने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन चक्कर ये था कि अब वो पेमेंट इतनी हो गई थी, इतना ऊपर से ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा था कि वो भी अपना बिजनेस को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। क्या इसके लिए पुष्पा सेल को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? अब उनकी जिम्मेदारी देखिए, अब एक वो तो एक सर्विस प्रोवाइडर है, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है और प्राइवेट को ये सरकार के से बेहतर तो कोई समझता नहीं है, क्योंकि सारा देश प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, तो अब एक प्राइवेट जब सर्विस प्रोवाइडर है तो वो तो अपनी सर्विसेज की उनकी एक कॉस्ट होती है, उसका एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट के में वो कहता है, उन्होंने बहुत सारे लेटर लिखे, बहुत सारी बातें कही, पर्सनली जाके जो एक दिन पहले पर्सनली जाके इन हैंड लेटर देखे आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में कि ये देखिए हमारे पास सिर्फ 24 घंटे की ही सप्लाई बची है, तो मेरे हिसाब से उन्होंने एडिक्वेट एफर्ट्स लगाए थे और उसके बाद हो सकता है कि सच में ही उनके पास ऑक्सीजन ना हो, क्योंकि उन्होंने भी कहीं से प्रोक्योर करनी है, उनके पास भी पैसे के बंदोबस्त होगा तो वो आगे से लेंगे, उसको रिफाइन करेंगे और आगे देंगे, तो इसलिए मेरे हिसाब से जितना भी लैप्स हुआ ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है और करप्शन है। इतना बड़ा करप्शन, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जिसकी वजह से इतने बच्चों की जान गई, अगर ये किसी और देश में हुआ होता तो अभी तक मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लिया होता, सारी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज गई हो गई होती और बहुत बड़े लेवल का एक्शन हुआ होता, लेकिन हमारे यहाँ तो जान की कीमत ही नहीं है। क्या क्या वाकई में कोई डॉक्टर इसके लिए ज़िम्मेदार हो सकता है? ये जिस तरह की घटना BRD मेडिकल कॉलेज में हुई है, क्या ये किसी डॉक्टर के ऊपर इस तरह के चार्जेस लगाए जा सकते हैं? जी, मेरे लिए जो सबसे दुख की बात है वो यही है कि एक डॉक्टर को बलि का बकरा बनाया जा रहा है एक ऐसी चीज़ के लिए जिसमें डॉक्टर का कोई हाथ नहीं होता। आप ये बताइए कि अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन
आनी है, कैसे आएगी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के अंदर अलग से एडमिनिस्ट्रेशन का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, उनका काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉस्पिटल के अलग से डायरेक्टर्स होते हैं, फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन आईएएस ऑफिसर्स के कॉन्टैक्ट में रहती है, उनका काम है। डॉक्टर का काम तो पेशेंट देखना है, उसको तो आप पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीजिए जो अब जो होनी चाहिए पेशेंट के लिए। पेशेंट वहाँ आएगा, वो अपना जो एक्सपर्टाइज है उसका वो पेशेंट देखने का है, वो पेशेंट देखेगा और पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करेगा ताकि पेशेंट ठीक होके जाए। इसमें डॉक्टर का कोई रोल होता नहीं है। लेकिन जब बात आती है किसी की गर्दन काटने की, जब बात आती है कि भाई अब बात है कि बड़े लोगों को बचाना है और किसी छोटे को दबोचना है, तो वो छोटा हमेशा डॉक्टर ही होता है और वो उसी को पकड़ लिया जाता है, उसी को दबोच लिया जाता है, और दबोच के खुलेआम गुंडागर्दी से, जिस तरह से डॉक्टर कफील के साथ किया गया है, गुंडागर्दी से उनको टर्मिनेट किया गया है। जबकि सारे सबूत, सारे बयान सब ये कह रहे हैं कि ये निर्दोष हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये अपनी नौकरी पे नहीं हैं, और जो लोग दोषी हैं वो बढ़िया नौकरी पे भी हैं और अपना आराम से इज्जत से ज़िंदगी भी जी रहे हैं।